विक्रांत का ये दूसरा ओवर है और जोशी काफी धैर्यपूर्ण तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, काफी संतोष के साथ बैटिंग कर रहे हैं। गेंद को उन्होंने पॉइंट क्षेत्र में पुश करके एक रन पूरा किया। सीसीएल सुपर फैन के लिए आप कॉल करिएगा 53 33 59 9, यानी कि 533 359 पर और 1,00,000 रुपये जीतिएगा। ओ, बहुत अच्छा शॉट, कमाल का शॉट, जिस तरीके से उन्होंने मारा था ऐसा लग नहीं रहा था कि चौका मिलेगा, लेकिन याद रखिए ये पाप लेके ही अब ओवर्स हैं, यानी यहाँ पे ज्यादा बाउंड्री राइडर्स नहीं हो सकते, तो अगर आप इनफील्ड को भेज सकते हैं तो चौके के मौके आपके लिए बने रहेंगे। बहुत जरूरी है कि शुरू के 6 ओवर में आप फील्ड रिस्ट्रिक्शन का भरपूर उपयोग कर सकें और फील्डर्स के सिर के ऊपर से निकालें, लेकिन ये स्ट्रोक बहुत ही आकर्षक था कारपेट के सहारे। विक्रांत लगातार ऑफ स्टंप पर परीक्षा लेने की कोशिश करते हुए और यहां पर बिल्कुल ठीक फील्डिंग के अनुरूप उन्होंने गेंद को फेंका और सीधी फील्डर के हाथ में। तो दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ के साथ और काफी आत्मविश्वास के साथ भी खेलते हुए, और ये कैसे जोड़ी की पहचान है जो बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ खेलते हैं कि ज्यादा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हल्के से हाथों से खेला और दूसरे खिलाड़ी ने तुरंत रिस्पॉन्ड दिया। आंखों आंखों में जो इशारा हुआ उसके कहीं ना कहीं परिणति रन के रूप में, और यहां पर पिच होने के बाद बाउंस भी था गेंद में, लेकिन उसको हल्के से खेला स्क्वायर लेग की तरफ, स्कोर पहुंचा दिया 3 ओवर की समाप्ति पर 25 रन बिना किसी नुकसान के तेलुगु वॉरियर, 26 रन बिना किसी नुकसान के। सचिन जोशी आरंभिक बैट्समैन बाएं हाथ के, मिडिल स्टंप पर फुल टॉस गेंद और उसको मोड़ दिया इस बार मिड विकेट क्षेत्र में फुल टॉस पर, और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। खासकर लेग साइड में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन जोशी, जिस तरीके से खेल रहे हैं कोई भी अगर लूज बॉल मिले तो उसमें कोई गलती नहीं करते हुए, और इसी वजह से चेन्नई राइनोस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। यहां पर यही तो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी सचिन जोशी। यहां पर शांतनु को बिल्कुल मुश्किलात में डालते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची गेंद, लपकी हुई गई, अपील भी हुई, लेकिन अंपायर सोचने की मुद्रा में। और आपको बता दें सीसीएल में ऐसे सिचुएशंस में भी रेफरल ले सकते हैं अक्सर, लेकिन यहां पे लिया नहीं था क्योंकि फील्डिंग साइड को पता था कि गेंद के आसपास गई नहीं थी, बहुत क्लोज, मेरे ख्याल से विश्वास नहीं हुआ कि वो स्टंप्स पे नहीं लगी बॉल। और यहां पर थोड़ा सा दिशा में परिवर्तन किया और उसे खेल दिया इस बार शॉर्ट आर्म पुल जिसको कह सकते हैं, और स्क्वायर लेग की तरफ से 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, तो एक बेहतर ओवर आता हुआ यहां पर तेलुगु वॉरियर के लिए, 2 चौके इसमें। राकेश सौरभ गांगुली के बारे में कहा गया था कि वो गॉड ऑन द ऑफ साइड है, यहां पे सचिन जोशी वैसी ही मुद्रा धारण करते हुए लेग साइड पे, लेग साइड पे अगर आप कोई भी चूक करेंगे तो उस पे पूरे रन बटोरने की क्षमता रखता है ये खिलाड़ी, बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं लेग साइड पर, बेहतरीन कलाइयों का उपयोग, गेंद को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, तो ये सब टेक्निक जो होनी चाहिए एक लेग साइड के प्लेयर के लिए उनके पास। पारी का 4th ओवर इस समय चल रहा है और लगातार फिर ये लेग स्टंप पर वही भूल वही गलती, और एक बार फिर से चौका निकलते हुए बैक टू बैक बाउंड्री आते हुए यहां पर। जी इस बॉल से पहले शांतनु ने अपना कोण बदला था लेकिन लाइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी लेग स्टंप पे ही बॉल डालने में कामयाब हुए, और इस बार फिर से कोई गलती नहीं, इसके बावजूद कि फाइन लेग सर्कल के अंदर आ गया था, यानी उनसे ये फील्डिंग होनी चाहिए थी, अगर रोक लेते
तो चौका जरूर नहीं होता। चौकों में बात कर रहे हैं, समय चौके में डील कर रहे हैं सचिन जोशी। इस ओवर में अब तक 3 चौके लगा चुके हैं और काफी प्रशंसनीय तरीके से, काफी आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और ये फिर से लेग स्टंप पर लगातार उसी गलती को दोहराते हुए वाइड का इशारा आते हुए एक अतिरिक्त रन और मिलते हुए यहां पर तेलुगु वॉरियर्स के लिए बहुत अच्छा ओवर उनके लिए जाता हुआ। 13 रन आ चुके हैं, 2 गेंद अभी भी शेष है और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं शांतनु, ऐसा लग रहा है कि और भी रन दे सकते हैं अगर सचिन जोशी स्ट्राइक पे रहे। इनका विकेट अब बहुत कीमती बन गया है चेन्नई राइनोज के लिए। और यहां पर स्ट्राइक बदलते हुए लेग बाई का इशारा आते हुए, तो कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर लगातार अपनी गेंदों की दिशा रखने की के खामियाजा को भुगतना पड़ा यहां पर चालीस रन बिना किसी नुकसान के। विक्रांत ने जो भूमिका निभाई थी लगभग उसी अंदाज में यहां पर सचिन जोशी, फर्क यह है कि वो दाएं हाथ के बैट्समैन थे और ये बाएं हाथ के बैट्समैन है। सीसीएल सुपर फैन बनने के लिए आप 5333599 पर फोन करके 1,00,000 रुपए जीत सकते हैं। और यहां पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, अपने आप को काफी पीछे तक लेकर आए, पोजीशन किया, गेंद को खेला इस बार कवर्स में। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 40 बिना किसी नुकसान। पारी का इस समय 5वां ओवर प्रगति पर। नितिन पाई की निगाहें काफी देर तक लास्ट शॉट एग्जीक्यूशन पर थी, वो सोच रहे थे कि इसको लेग बाई दिया जाए या फिर प्लेट, लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में दिया। बेहद खूबसूरत चेहरे डगआउट क्षेत्र में मौजूद हैं और निश्चित रूप से आप भी हमारे इस प्रसारण के माध्यम से इस खूबसूरती का आनंद उठा रहे होंगे। कोची का नेहरू स्टेडियम अब धीरे धीरे दर्शक दीर्घाओं में लगातार दर्शकों की उपस्थिति दर्ज हो रही है। एक और खूबसूरत चेहरा, टॉलीवुड और बॉलीवुड मिलकर के एक नया इतिहास बनाने की कोशिश में। फिलहाल यहां पर पहला झटका लगा तेलुगु वॉरियर्स को। प्रिंस जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल करके शुरुआत देने की कोशिश में उन्होंने एक शॉट खेला जिस वजह से उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। काफी देर तक बॉल हवा में रही, हल्की सी फ्लाइट थी, खेलते समय बैट उनके हाथ में मुड़ गया, ठीक से ग्रिप नहीं कर पाए थे बैट को, जिस वजह से उतनी ताकत नहीं लगा पाए स्ट्रोक के पीछे की बॉल मिड ऑफ क्षेत्र के ऊपर से निकल पाती। निराशा के क्षण पहला विकेट गिरा तेलुगु वॉरियर्स का। अच्छा विकेट और बहुत अच्छे वक्त पे विकेट मिला है। शाम का कैच अशोक के गेंद पे, प्रिंस हुए आउट 13 रन पे, 41 पे 1 तेलुगु वॉरियर्स।